So let's discuss the question of our mock test science part. Question number one. That is question number 121 says that a photographic camera works on the principle of phenomena of light. जो हमारा photographic camera है वो किस principle के ऊपर काम करता है? तो photographic camera में present होते हैं lenses और lenses हमेशा work करते हैं refraction के ऊपर. Lenses हमेशा किस पे work करते हैं? Refraction पे. Question number two. On electrolysis, which one will give the hydrogen at cathode? Electrolysis का process करेंगे यानी कि बिजली की presence में किसी compound का breakdown करेंगे तो हमें वो कैथोड पे हाइड्रोजन कौन देगा? हाइड्रोजन वही देगा जिसके पास हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है. तो अगर हम इनको देखें, मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड, मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इनके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं. एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्लोराइड के पास भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, मतलब इसके पास वाटर है, वाटर है तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन रिलीज होगी. तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर. इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, इकोलॉजी किसकी स्टडी होती है? हमारे आसपास प्रेजेंट ऑल लिविंग थिंग, दैट मींस द हैबिटेट. हैबिटेट की स्टडी को हम इकोलॉजी की स्टडी बोलते हैं. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव अ गैस दैट स्मेल्स लाइक रोटन. रोटन एक स्मेल किसकी होती है? सल्फर की रिएक्शन होगी. जब सल्फर की रिएक्शन हमें रोटन एग लाइक, यानी कि गंदे सड़े हुए अंडों की तरह स्मेल करेगा. क्वेश्चन नंबर 125. कार्बन कंपाउंड्स मेक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स. कार्बन कंपाउंड्स बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं. क्यों बनाते हैं? ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी नोन एज कैटेनेशन, दैट इज सेल्फ लिंकेज. कैटेनेशन होती है या फिर उसको सेल्फ लिंकेज बोलते हैं. तो ऑप्शन नंबर डी, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग कैटेनेशन प्रॉपर्टी. नेक्स्ट 126, वेरी गुड क्वेश्चन. अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ ग्लास फ्रॉम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.52 enters the water of refractive index 1.33, the ray of light. कहां से कहां enter हो रही है? Glass से water की तरफ. From denser to rarer medium. कांच से पानी की तरफ. Denser to rarer medium, जब भी light आती है, that will shift away from the normal. That will bend away from the normal. Option number C. 127. How many haploid cells are formed at the end of the meiosis? So that is answer is 4 haploids. Which one is the natural polymer? Natural means जो हमें plants and animals से मिलता है, यानी कि हम जिसको नहीं बनाते हैं. Answer is cotton. Option number A. Insulin hormone कौन सा gland secrete करता है? Pancreatic gland secretes the insulin hormone. Which organelle is known as the powerhouse of the cell? Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वो एटीपी की फॉर्म में बॉडी के अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है. 131. साहिल इज वेरी इंटेलिजेंट, ही फिनिशेस क्लास टेस्ट वेरी क्विकली एंड डिस्टर्ब द रेस्ट ऑफ द क्लास. व्हाट विल यू डू एज अ टीचर? अगर एक बच्चा क्लास में जल्दी काम करके बाकियों को डिस्टर्ब करे, तो आपको एज अ टीचर क्या करना चाहिए? उसको पनिश करना चाहिए, उसको वॉर्न करना चाहिए? पनिश करोगे, वॉर्न करोगे, तो उसके लिए वो चीजें और पाइल्ड अप होंगी, वो और करने की चाहत भी रख सकता है. तो दिस इज नॉट एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन. वी विल गिव मोर चैलेंजिंग टास्क. हम उसको किसी काम में उलझा देंगे, उसका टेस्ट एक टफ लेवल पर लेकर जाएंगे, ताकि वो क्या करे, उसमें उलझा रहे और उसको डिस्टर्ब करने का टाइम ही ना मिले. नेक्स्ट, What is the formula of nitrogen 4 oxide? Nitrogen 4 का मतलब नाइट्रोजन की वैलेंसी प्लस 4 लेनी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी माइनस 2 लेनी है. क्रिस क्रॉस करोगे आएगा N2O4, कैंसिल किया, आंसर विल बी NO2. आंसर विल बी NO2. नेक्स्ट, द बेस इज यूज्ड एज एन एंटासिड्स. एंटासिड्स में हम माइल्डर बेस यूज करते हैं. जो हम एंटासिड्स खाते भी, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. A sound wave has frequency 500 hertz and wavelength 2.9 meters. What is its velocity? हमें velocity निकालनी. Velocity का formula क्या होता है? Lambda into its wavelength. Lambda 2.9, frequency है 500. अगर मैं 2.9 को approximately 3 मान लूँ, तो 3 into 500 आएगा 1500, और 1500 के आसपास कौन सा option है? 1450 meter per second. Next.
When we grow from specific example to generalize, जब हम किसी चीज को example से एक concept में आ जाते हैं, जब हम किसी चीज पे एक example से किस में आते हैं, concept पे आते हैं, हम कौन सी approach को होते हैं, हम inductive approach को, और जब हम concept से examples पे जाते हैं, deductive approach. हाँ जी, concave lenses में when its images, its I guess mirror, sorry, the position of a point in concave lens when it is erect and virtual. Erect or virtual कब होता है? When it is between pole and focus. When it is between pole and focus. Out of which of the following has the highest boiling point? Boiling point सबसे ज्यादा किसका होता है? जिसका molecular mass सबसे ज्यादा होता है. Methane होता है CH4. Chloroform होता है CHCl3. Ethanol होता है CH3CH2OH. And acetic acid is CH3COOH. Due to this OH functionality, इसमें hydrogen bonding भी होगी, इनके bonds भी strong होंगे, इसका molecular mass भी ज्यादा है, तो इसका boiling point भी ज्यादा है. But main चीज OH होने की वजह से इसके पास hydrogen bonding आती है. Hydrogen bonding आपस में इनको जकड़ कर रखती है, dimerize होकर रहता है, इसलिए इसका boiling point ज्यादा होगा. Next, how many times the solution of pH 3 be diluted to get a pH 6? अगर किसी का pH 3 है, उसमें हम कितना पानी डालें कि उसका pH 6 हो जाए, यानी कि उसको 3 times हम ज्यादा करना चाहते हैं, तो pH का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ log ऑफ H पॉजिटिव. अगर हमारा pH 3 है तो हमारी H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन आएगी 1000. अगर हमारा pH 6 है, H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन आएगी हमारे पास 10^6, यानी कि हमें 1000 वेरिएशन लानी पड़ेगी, तब जाके हमारा pH चेंज होगा. Which part of the eye is adjustable in accordance with light condition? Light condition को adjust हमारी eyes का कौन सा part करता है? हाँ जी, which condition आइस का कौन सा पार्ट हमारी करता है? तो यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है बिटवीन आइरिस एंड प्यूपिल, बट द आंसर इज प्यूपिल. जो हमारी आइस बॉल के अंदर एक छोटा सा होल होता है, उसको प्यूपिल बोलते हैं. कभी वो लार्ज हो जाता है, कभी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन दी रोशनी आसपास जो हमारे है. द आंसर इज प्यूपिल. इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज रिड्यूस टू हैव द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, तो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स किस फॉर्मूला पर डिपेंड करती है? gm1 m2/r2. राइट, अगर हमें इनका क्या करना है, दोनों बॉडीज का मास हाफ कर दोगे. दोनों बॉडीज का मास हाफ मतलब m1/2 m2/2, दो दो टू फैक्टर्स आएंगे यहां से, m1/2 m2/2/r2. तो हमारा जो नई फोर्स हो जाएगी वो पुरानी वाली की क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी. नई वाली फोर्स पुरानी वाली की 1/4 हो जाएगी. राइट, नेक्स्ट, if a body is moving in a circle travels which is directly proportional to the time, jab hamara distance time ke directly proportional ho, jab bhi proportionality aati hai always se yahan pe uniformity hoti hai, yani ki koi na koi cheez kya hoti hai, same hoti hai. To same distance same time, yani ki uniform motion. Uniform motion matlab aapki har samay speed kya hai, same hai. लेकिन आप जब सर्कल में चलते हो, आपकी हर समय वेलोसिटी कभी भी सेम नहीं होती. वेलोसिटी क्यों नहीं सेम होती? बिकॉज हर समय आपकी डायरेक्शन चेंज होती है, और डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगी. इसलिए हम इसका आंसर एप्रोप्रिएट क्या लिखेंगे? द कॉन्स्टेंट स्पीड. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सस्पेंडेड इंप्योरिटीज फ्रॉम द वॉटर, पानी के अंदर अगर कोई इंप्योरिटीज है, हम उसको सेपरेट करना चाहते हैं, उसको किस फिनोमिना से कहते हैं? द प्रोसेस नेम इज लोडिंग. लोडिंग से उसको सेपरेट करते हैं. विच विटामिन इज असेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट, आईसाइट को मेंटेन करने के लिए कौन सा विटामिन हमारे लिए असेंशियल होता है? आईसाइट मीन्स आंख. आंख से याद रखेंगे हम हमेशा विटामिन ए. विच न्यूट्रिएंट इज मेनली फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड हेल्प टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, जब इंसान को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जब वो बॉडी का वेस्ट आउट नहीं कर पाता, तो किसी मिनरल या विटामिन की जरूरत नहीं पड़ती, हमें रफेज खाना पड़ता है. रफेज इज नथिंग बट द डाइटरी फाइबर्स विच वी नीड टू इनटेक इन आवर डाइट. व्हाट हैपेंस व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ अ बेस, जब एसिड को बेस में मिलाते हैं तो सबसे पहले क्या चीज होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है.
प्लस वहां का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है बिकॉज वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो हमारा टेम्परेचर इज इंक्रीज एंड सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यानी कि सेकेंड एंड फोर्थ. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसके पास नहीं होता? ब्लू विट्रॉल होता है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 डॉट 10H2O, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3 विद नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एम जिप्सम होता है CaSO4 डॉट 2H2O. तो हमारे पास एक बेकिंग सोडा ऑप्शन है जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता है. What does the magnetic quantum number ML indicates? Magnetic quantum number ML हमें किसके बारे में बताता है? Orientation, कि किस position में हमारे substance lie कर रहे हैं. It specifies the orientation. Next, the potential energy of a ball of mass 5, height 3. The potential energy का formula होता है MGH 5 into 10 into 3. आंसर इज अप्रॉक्सीमेटली 150 के आसपास. 150 के आसपास कौन सा है? 147. एग्जैक्ट क्यों नहीं बताया मैंने? क्योंकि हम 10 को 9.8 लेके जब सॉल्व करेंगे तो 150 के आसपास आंसर जो सा बनता है उस रेंज में उसको लाइक कर देना ताकि अपनी कैलकुलेशन इजीली कर सको. द आर एच वेटकर क्लासीफाई द सिस्टम लिंक टू द वायरस. आर एच वेटकर ने हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाय, एनिमल, एनिमेलिया एंड प्लांटी. उसमें वायरस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी. 50th लास्ट क्वेश्चन इज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन द साइंटिस्ट एंड देयर कोऑपरेशन शुड बी डिस्कस्ड. साइंस, वो कह रहे हैं कि साइंस के अंदर साइंटिस्ट की कोऑपरेशन को, साइंटिस्ट ने क्या क्या किया, हमें वो बच्चों को क्यों बताना चाहिए, क्यों डिस्कस करना चाहिए, ताकि उनके डेवलपमेंट्स, उनकी आइडियाज की उनके अंदर नॉलेज आए और वो फ्यूचर में जाके एक ऐसा माइंड डेवलप कर सके, एक साइंटिफिक माइंड डेवलप कर सके, रिसर्चेबल माइंड डेवलप कर सके. दैट्स इट फॉर योर साइंस मॉक टेस्ट क्वेश्चन. थैंक यू. Thank you.